टू माई चैनल प्रिटी शी इज एंड आई एम प्रीति। गाइज, आज का जो वीडियो है वो एक बहुत बड़ा हॉल है। मैंने फ्लिपकार्ट से ₹5,000 का परचेज किया है एंड मैं उसका आज एक हॉल करने वाली हूँ, मैं उसका रिव्यू देने वाली हूँ एंड लेट्स सी शॉपिंग वर्थ है कि नहीं है। यहाँ पे कुछ कुछ प्रोडक्ट है जो मैंने काफ़ी दिन पहले लिए थे एंड कुछ कुछ प्रोडक्ट है जो मैंने रिसेंटली लिए हैं, सो मैं उसे कंबाइन करके आज आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट मैंने जो परचेज किया था वो है नेकेड का ब्रश पैलेट और ये मुझे कॉस्ट हुआ था अराउंड ₹678। मैंने ये काफ़ी दिन यूज़ कर लिया है, ये मैंने बहुत दिन पहले लिया था एंड इसमें 10 सेट्स ऑफ ब्रश आते हैं, आप देख सकते हैं। एंड इसकी क्वालिटी गाइस बहुत अच्छी है, फॉल आउट नहीं करता है, आप देख सकते हैं कोई फॉल आउट नहीं है, बहुत ज़्यादा स्मूथ। गाइस नेक्स्ट मैंने जो परचेज किया था वो है नोवा का फेस मसाजर और मुझे ये पड़ा था ₹359। ऐसे आता है, 5 ऐसे टूल्स रहते हैं ऐसे। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसके ऊपर सेपरेट एक वीडियो बना सकती हूँ कि मैं इससे कैसे फेशियल करती हूँ, सो इफ़ यू वांट दैट वीडियो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ऐसे इसे फिट करना होता है एंड जाता है एंड इट इज़ आल्सो वर्थ बाय वर्थ द मनी क्योंकि ज़्यादा प्राइसी नहीं। नेक्स्ट मैंने जो परचेज किया था वो है पास स्ट्रेटनर ब्रश। आपने शायद ये देखा ही होगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था बीच में, था अराउंड ₹700, ₹699 एंड मैं इसे दिखाती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसका भी रिव्यू दे सकती हूँ अलग से वीडियो में, आप देखना चाहते हैं कि कैसे वर्क करता है, मैं इसे दिखा सकती हूँ। तो ये वर्थ बाई ही है एंड इट वर्क्स रियली वेल। ये है बूट, मैंने ब्राउन बूट्स ऑर्डर किए थे एंड दिस वाज रियली ऑफ लेस प्राइस, बहुत कम कॉस्ट था इसका, ₹450 था ये, ओनली ₹450 का एंड दिस वाज रियली चीप एंड आई थिंक इट इज़ वर्थ मनी बिकॉज ये हमें बूट मिल रहा है ₹450 का, सो इट इज़ वर्थ मनी। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको कुछ भी परचेज करना है तो आप ज़रूर। नेक्स्ट मैंने और एक शूज़ ऑर्डर किया था वो है शुबरी का, ये मुझे ₹1,300 का मिला था एंड ये मैंने रिसेंटली परचेज किया है। इसका रेड बेस है एंड यहाँ पे हिल, ये 5.5 इंच का हिल है। कॉन्ट्योर पैलेट लिया था एंड इट कॉस्ट मी अराउंड ₹500, तो मैंने ये लिया था एंड मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ ऑलरेडी, आप देख सकते हैं कैसे यूज़ किया हुआ है। आई थिंक इससे अच्छे भी प्रोडक्ट मार्केट में मिल जाएंगे, लोकल मार्केट में कॉन्ट्योरिंग के लिए मिल जाएगा, ये उतना ज़्यादा वर्थ मनी नहीं लगा मुझे, अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है, इसका मेन प्रॉब्लम यही है। नेक्स्ट मैंने जो लिया था वो है जेल लाइनर्स, उसके साथ मुझे ये दो ब्रश मिले थे एंड आप देख सकते हैं ये एक ब्राउन शेड है एंड अ ब्लैक शेड। इसका प्राइस मुझे पड़ा था ₹127, में दोनों मिल रहे थे बट ये ज़्यादा दिन तक नहीं चला, ब्लैक तो पूरा सूख गया है, पूरा सूख गया है, मैं इसे ज़्यादा दिन तक यूज़ नहीं कर पाई, ब्लैक तो सूख गया था बट दिस वन वॉज रियली नाइस, मैं इसे ब्राउ फिल करने के लिए यूज़ करती हूँ, अभी भी यूज़ करती हूँ। नेक्स्ट मैंने ये ब्लैक टॉप लिया था, सिंपल ब्लैक टॉप है एंड कुछ डिज़ाइन नहीं है, जस्ट फुल स्लीव ब्लैक टॉप लिया था मैंने एंड दिस कॉस्ट मी ₹308। आई थिंक दिस वॉज अ वर्थ बाय क्योंकि मैं ये ब्लैक टॉप बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, आई कैन यूज़ इट इन डिफरेंट वेज, इन डिफरेंट स्टाइल, विद डिफरेंट आउटफिट्स, सो दिस वॉज अ वर्थ बाय। गाइज मैंने जो नेक्स्ट परचेज किया था वो है हुडा ब्यूटी का लिपस्टिक सेट एंड 6 शेड आते हैं, आप देख सकते हैं
मैंने रेड सीरीज ऑर्डर किया था बट पिंक आया था. एनीवेज पिंक भी बहुत अच्छा था एंड आई यूज्ड इट, कलर बहुत अच्छा था. अभी फ्लिपकार्ट में जो फोर लिपस्टिक का सेट है वो अवेलेबल है. अगर आप चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. कैट्सबी का हेयर स्प्रे एंड मैं इसे बहुत कम यूज़ करती हूँ. हेयर स्प्रे अच्छा नहीं होता है हेयर्स के लिए. सो जब जब मुझे ज़रूरत पड़ता है तब मैं यूज़ करती हूँ. एंड ये एक्सट्रीम लेवल 5 का है एंड आई थिंक दिस इज़ वर्थ बाय, क्योंकि ये ओनली 200 रुपीज़ का पड़ा था. दैट वॉज माई फ्लिपकार्ट हॉल एंड इट वॉज अ वर्थ बाय. सो या आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो. एंड अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड उसके पास जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं अपना नया वीडियो डालूँ तो आप नोटिफाइड हो जाए. थैंक यू.